नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। हमने अब तक लास्ट ट्यूटोरियल्स में सम फंक्शन, काउंट फंक्शन, मीन फंक्शन, मैक्स फंक्शन के बारे में देखा। इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे एडजेसेंट सेल एरर इन एक्सेल कैलकुलेशंस, जो कि एक्सेल एक एरर दिखाता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। तो अब हम देखेंगे एडजेसेंट सेल एरर के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अगर हमने ये सेल पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमें ग्रीन ट्रायंगल दिखता है, जो कि अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द सेल यहाँ पे दिख रहा है हमें। ये हर एक सेल में हमें ये एरर दिख रहा है। उसके बाजू में अगर देखोगे तो यहाँ पे हमें एक वार्निंग जैसा एरर दिख रहा है। उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, फॉर्मूला ओमिट्स एडजेसेंट सेल्स, उसके बारे में आप, उसके बाद में अपडेट फॉर्मूला टू इंक्लूड सेल्स, हेल्प ऑन दिस एरर, इग्नोर एरर, एडिट इन द फॉर्मूला बार, एरर चेकिंग ऑप्शंस। तो ये सारे ऑप्शंस हमें मिलते हैं। अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला ओमिट्स एडजेसेंट सेल्स अगर यहाँ पे होता है, तो अगर हम यहाँ पे अपडेट करते हैं, अपडेट फॉर्मूला विद इंक्लूडिंग सेल्स, तो यहाँ पे हमें ये जो फॉर्मूला है ये डेट्स को भी कंसिडर करता है, क्योंकि एक्सेल को पता है जो जनवरी 2019 है वो भी वैल्यू कंसिडर करता है एक्सेल। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल जेड करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो ये B4 to B8 यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है। तो इसको हमें कुछ भी करना नहीं है, इसको हमें सिर्फ इग्नोर एरर पे क्लिक करके ये इग्नोर करना है, क्योंकि ये जो हम कर रहे हैं ये गलत नहीं है। सिमिलरली हम यहाँ पे डायरेक्टली ये सिलेक्ट करेंगे, इस डायरेक्टली सिलेक्ट करेंगे और इसके ऊपर इग्नोर एरर का ऑप्शन क्लिक करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी हम ये करेंगे, सिलेक्ट दिस एरर बटन एंड इग्नोर एरर। तो ये हमें करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में इतना